अस्सलाम वालेकुम, ग्रैंड कार्नर में खुश आमदेद। मीठे पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ, तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने वाइट तिल ली हैं, थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लिया है हल्का सा। साथ मैंने एक प्याली पॉपकॉर्न ली हैं, शुगर लिया है एक प्याली, कुछ ऑयल इस्तेमाल होगा। और सबसे पहले चूल्हा ऑन किया है, ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दी है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम पॉपकॉर्न डालते हैं अपने, लेकिन थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तब डालेंगे। अगर आपने नमकीन पॉपकॉर्न बनाने हैं तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नमक, और हल्दी डाल दें तो बहुत मजे के बनेंगे। अभी मैं थोड़ा सा हो गया, आराम सुकून हो गया, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपने ये पॉपकॉर्न निकाल लेंगे। ये ले जी, पॉपकॉर्न तुम्हारे तैयार है, देखें कितने ढेर सारे। तो अब इनको करते हैं एक तरफ। चलें जी, अगला स्टेप इन पॉपकॉर्न को मीठा बनाने का। ये मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है, अब मैं ये शुगर डालने जा रही हूँ। और इस शुगर को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी सी मेल्ट हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बस मीडियम आंच पे, हमने अपनी शुगर को जलाना नहीं है। देखिए जी, शुगर हमारी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है। चूल्हा हम अपना बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं, कलर भी इसका चेंज हो चुके हैं। डालते हैं इसमें पॉपकॉर्न, हमने पॉपकॉर्न डाले और ऊपर से ये जो हमने तिल रखे हुए थे ये डालते हैं। और आप जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे हम अपना, और अपने ये जो पॉपकॉर्न है इनको करेंगे मिक्स। ये पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं मीठे वाले, ये देखें कुछ इस तरह से। पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं, मैंने अपने बाउल में निकाल लिए हैं। बहुत मज़े के, ये बहुत क्रंची और अच्छे पॉपकॉर्न हैं। देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।